हेलो गाइस, वेलकम टू आकाश मकबूल यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले वीडियोस आपको मिलती रहें। इस वीडियो में मैं आपको स्मार्ट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के चैट सिस्टम के बारे में बताऊँगा कि आप इसमें कैसे चैटिंग कर सकते हैं स्टूडेंट से, पेरेंट्स से, बाकी स्टाफ मेम्बर से। तो ये वर्जन जो है ये 5.0 और 5.1 में अवेलेबल है, आप यहाँ पर वर्जन चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको चैट का जो आइकन है वो मिलेगा। ठीक है, एक तरफ मैंने जो सुपर एडमिन है वो लॉगिन किया, जबकि दूसरी तरफ मेरे पास एक स्टूडेंट की आईडी है, उसके जरिए मैंने इसमें लॉगिन किया है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं चैट। ठीक है, अब यह हमारे पास दोनों तरफ चैट आ गया। अब अगर स्टूडेंट चैट करना चाहेगा तो यहाँ से किसी को भी अपने साथ ऐड करके चैट कर सकेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं सुपर एडमिन से अगर ये चैट करना चाहते हैं तो सुपर लिखेगा तो यहाँ पर देखें इसके पास ये आ जाएगा। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके ऐड करेगा तो आपके पास ये आ जाएगा, उससे चैट कर सकेगा। जबकि सुपर एडमिन अगर किसी से चैट करना चाहता है, यहाँ से पर क्लिक करें और यहाँ पर नाम लिखें। ठीक है, अभी देखिए हमारे पास दो नेम आ गए और नीचे मेंशन भी किया हुआ है कि ये स्टाफ है और ये स्टूडेंट है। अब इसमें हम स्टूडेंट से चैट करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करके ऐड करें तो आपके पास ये लेफ्ट साइड पर ऐड हो जाएगा। इस तरह बाकी जो आप ऐड करना चाहते हैं तो उनको भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टाफ को भी ऐड करना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद ऐड करें तो आपके पास ये दूसरा जो है स्टाफ मेंबर भी ऐड हो जाएगा। ठीक, अब हम स्टूडेंट से चैट करना चाहते हैं सुपर एडमिन, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद इसको मैं कोई भी मैसेज लिख के सेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैसेज स्टूडेंट को सेंड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आ जाऊँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्टूडेंट की प्रोफाइल है वहाँ पर इसको मैसेज आएगा, यू आर नाउ कनेक्टेड ऑन चैट। ठीक है, यहाँ पर इसको एक मैसेज भी रिसीव होगा। ठीक है, हाय। मैं यहाँ पर कोई भी मैसेज लिख के सेंड कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको सेंड कर लेता हूँ सुपर एडमिन को। आप देखेंगे कि ये मैसेज जो है सुपर एडमिन को यहाँ पर सेंड हो जाएगा। ठीक है, आपने हाय लिख के सेंड किया था तो वो मैसेज इसको यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके जो मैसेज सेंड किया था वो यहाँ पर भी इसके पास आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह आप चैट सिस्टम को यूज़ करते हुए इसमें आप स्टूडेंट से, स्टाफ से, इसी तरह बाकी जो पेरेंट्स हैं उनसे भी आप चैट करना चाहते हैं तो इसमें आप चैट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो 5.1 वर्जन है इसमें ये थोड़ा हेवी है चैट सिस्टम, लेकिन इसका जो न्यू वर्जन आएगा 5.2 उसमें इसको बहुत लाइट कर दिया जाएगा, जिसमें आप यूज़ कर सकेंगे इजीली। ठीक है, अभी तो आप इसमें अगर कोई एक मैसेज करें तो ये देखो बार बार वो कोड एग्जीक्यूट होता है, जिससे वो बार बार इसमें एसएमएस सेंड होता रहता है। लेकिन जो न्यू वर्जन में उसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आप उसमें आप ईजीली चैट कर सकते हैं स्टूडेंट से, स्टाफ से, इसी तरह पेरेंट से, तो आप उसका रिकॉर्ड भी आपके पास यहाँ पर आता जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड पर हमारे पास जितने भी मेंबर होंगे और राइट साइड पर जिस तरह क्लिक करेंगे तो राइट साइड पर उनका तमाम जो हिस्ट्री है वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टाफ के साथ जो चैटिंग है और यहाँ पर स्टूडेंट के साथ जो चैटिंग है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आप चैट पर क्लिक करें। ठीक है, अब ये इसके इसकी हिस्ट्री भी आ जाएगी। ठीक है, इसने जो सुपर एडमिन से जो चैटिंग की है वो यहाँ पर शो हो रही है, माय नेम इज टिश। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह ये जो स्टूडेंट है ये अपने टीचर से भी चैट करना चाहता है तो चैट कर सकता है। फॉर एग्जांपल इसका टीचर है, ठीक है, ये इसका टीचर है तो मैं इसको सिलेक्ट करके ऐड कर लेता हूँ तो ये लेफ्ट साइड पर हमारे पास यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमारे पास ये ऐड हो चुका है।
आप इससे चैट करना चाहते हैं तो आप इससे चैट कर सकते हैं। ठीक है, हाय। ठीक है, ये मैसेज सेंड हो गया। तो उधर से फिर टीचर को ये मैसेज चला जाएगा, तो टीचर रिप्लाई करना चाहे तो रिप्लाई कर सकेगा।